हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, आपका डाटा जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं या यूट्यूब को यूज़ करते हैं, जिससे आपका डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। तो चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले सबसे पहले आपने जो है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने सर्च के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है डाटा सेवर, ठीक है। ये डाटा सेवर आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा सेवर, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद सबसे ऊपर होगा डाटा सेवर, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको आपने ऑन कर देना है सबसे पहले, ठीक है। इसको आप ऑन करेंगे आपका डाटा जो है बहुत कम यूज़ होगा और इससे आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ये आपने ये सेटिंग ऑन कर देनी है। इसके बाद आपने ये करना है कि अगर आप वन बाय वन, अगर जैसे ही आप टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसको आपने ये करना है। जस्ट जैसे मैं टिकटॉक पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है। आप टिकटॉक पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री ये जो है दिखाई देंगी लाइन, इन पे आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेटिंग है प्राइवेसी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा सेवर, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डाटा सेवर मिल जाएगा, इसको आपने ऑन कर देना, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब में भी डाटा सेवर, अगर आपके पास ऊपर यहाँ पर सारी का ऑप्शन मिल जाता है, फेसबुक में भी, उसके बाद यूट्यूब में भी, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें आपने जाना है और यहाँ से डाटा सेवर उसको सारी करके आपने फ़ोन में उस ऐप में आपने तलाश कर लेना और उसको ऑन कर देना है। तो उससे आपका डाटा बहुत कम यूज़ होगा, जिससे आपका डाटा जो है जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।